राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर की ऐतिहासिक फतेह सागर झील श्रावण के पहले सोमवार को ही छलक गई। सोमवार देर शाम संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने दो गेट खोलकर जिलेवासियों को यह सौगात प्रदान की। इस मौके पर संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर ने जिलेवासियों को इस मौके पर बधाई दी और कहा कि सावन के मौके पर उदयपुर वासियों के लिए ये बड़ी खुशी का पल है। उन्होंने कहा कि अपनी झीलों के लिए दुनिया भर में मशहूर पर्यटन नगरी में फतेह सागर लाइफलाइन है और इसके भरने से उदयपुर वासियों की खुशियां परवान चढ़ती हैं। इससे पहले विधि विधान के साथ कमिश्नर व कलेक्टर ने फतेह सागर की पूजा अर्चना की और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दो गेट खोलकर जल राशि को मुक्त किया। इस मौके पर जल संसाधन विभाग अधिशासी अभियंता अनिल थालोर ने बताया कि रात को 8 बजे 4 में से 2 गेट 3-3 इंच खोले गए, जिससे 65.94 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। पिछले 50 वर्षों में पहली बार ये झील जुलाई माह में छलक पड़ी। इस दौरान फतेह सागर झील 28 बार छलकी है। इसमें 14 बार अगस्त में, 11 बार सितंबर में और 3 बार अक्टूबर में इसके गेट खोले गए।